हेलो गाइस, आज आप लोगों के लिए और एक नया और अलग वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो टॉपिक है वो आप लोग इसी चैनल में शायद वो वाला वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे, या जो भी नया लोग देखेंगे ये वाला वीडियो को, उस वो वाला जो वीडियो है वो बांग्ला में है। ठीक है, जो भी वेस्ट बंगाल या फिर बांग्ला भाषा जो लोग जानते हैं वो लोग आप लोग वो वाला वीडियो देख सकते, नहीं तो ये वाला वीडियो भी पूरा देख सकते। ठीक है, तो आज का जो वीडियो टॉपिक है वो मॉड्यूलर किचन। ठीक है, आप लोग अपना जो किचन रूम है, जहाँ पर मतलब घर में जो किचन होता है, आप लोग किचन, आपका जो किचन अभी है वो नॉर्मल, आप लोग अगर मॉड्यूलर किचन उसको नहीं करवाया अपने किचन में, आप लोग अगर सोच रहे हैं कि मॉड्यूलर किचन बनवाएंगे तो कौन सा मॉड्यूलर किचन बनाना चाहिए। ठीक है, स्टील का बनाना चाहिए या फिर वुडन का बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो वीडियो होगा ये कुछ पार्टों में होगा, 5-6 पार्टों में होगा। ठीक है, तो 5-6 पार्ट जो आएगा टोटल एक मॉड्यूलर किचन स्टार्टिंग से एंड तक इंस्टॉल होने के बाद उसका आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, कौन सा कंपनी का हम लोग मॉड्यूलर किचन बनवाते हैं, मॉड्यूलर किचन में स्टील प्लस आपका प्लाई किचन, ठीक है, दोनों बनवाते हैं एक सिस्टम में, मॉड्यूलर किचन में स्टील और प्लाई किचन। प्लाई में जो नॉर्मल आप कहीं से भी जो बनवाते हैं प्लाई किचन, वो प्लाई और हम लोग जो प्लाई यूज़ करते हैं उसमें 98% डिफरेंट है। ठीक है, वो लोग जो यूज़ करता है वो भी हम बताएंगे कौन सा यूज़ करता है, और हम जो यूज़ करता है कौन सा स्टैंडर्ड का प्लाई यूज़ करते हैं, और उसमें और इसमें पूरा डिफरेंस, तो अलग अलग पार्ट में ये सब वीडियो आएगा। तो आज का जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है, मॉड्यूलर किचन का। और किचन में आप लोग जितना भी मतलब आपका जो किचन है जो भी साइज का हो या फिर जैसा भी शेप का हो, जैसा बनवा मतलब मान लीजिए आपका जो किचन है वो स्लैब दिया हुआ है, नीचे कुछ नहीं है, जैसा किचन हो, या फिर आप नया कंस्ट्रक्शन अभी कर रहे हैं और उसमें आप मॉड्यूलर किचन बनवाना चाहते हैं तो भी हम कर देंगे। अगर स्लैब सिर्फ बैठा हुआ है बाकी कुछ नहीं किया तो भी मत कर देंगे, या फिर आपका मान लीजिए आप मार्बल लगवा के दो एक ठो जगह में आप अपना कुछ किचन सेट करके रखे हैं उसको भी तोड़ के भी हम अलग से नया करके देंगे। मतलब कैसा भी किचन हो हम वहाँ पर अपना किचन करवा सकते हैं। ठीक है, आप जैसा चाहिए उस हिसाब से हम लोग किचन आपको बनवा दे सकते हैं। ठीक है, और एफोर्डेबल प्राइस में, ज़्यादा प्राइस भी नहीं होगा, और एक बेहतरीन ग्लॉसी और हाई स्टैंडर्ड वाला आपको एक किचन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए घर बनवाते हैं आप लोग, जब घर बनवाते हैं तो उस टाइम बहुत खर्चा कर देते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं किचन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि इतना खर्चा करके घर तो बनवाया है, किचन बनवाना भी ज़रूरी है, तो वो लोग जानता है कि किचन मैन जो आप जिसको शादी करके लेके आए हैं अपना घर में, उनके लिए देखिए उनका मैन जो जगह है वो किचन है। ठीक है, तो किचन उनके लिए ही बनवा देना, अच्छा से और बेहतरीन से बनवा देना आप लोगों का एक जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिए। मतलब मैं कहना चाहता हूँ आपका जो वाइफ है, आपका जो माँ है, मतलब खास करके घर का महिलाओं के लिए किचन एक पूजा की तरह किचन रूम को रखा जाता है, वो लोग मानता है एकदम, किचन रूम अगर एक अच्छा से बनवा देते हैं तो घर का जो शौकीन है, जो देखने का और घर का जो भी घर का जो रौनक है वो और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप सभी जगह को फिनिशिंग कर दिया, मार्बल देके, टाइल्स देके एकदम पूरा फिनिशिंग कर दिया है। ठीक है, पूरा घर को, तो आपका किचन भी अगर इसी प्रकार पूरा एकदम चकाचक कर देंगे
ठीक है मॉड्यूलर किचन से, तो उसका घर का रौनक ही अलग बढ़ जाएगा, ठीक है। और आपका वाइफ भी खुश रहेगा, और आपका माँ भी खुश रहेगा, आपका बहन भी खुश रहेगा, जो भी खाना बनाने जाएंगे, मतलब वहाँ पर गंदगी नहीं रहेगा और एक प्रॉपर सब कुछ एक एक जगह में रहेगा, तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और मान लीजिए आप भी कभी अगर खाना बनाएंगे उस टाइम आपको भी सुविधा होगा, क्योंकि हर चीज़ एक प्रोफेशनल तरीका से एक एक जगह में रखा हुआ होगा। आप जहाँ पर आपको ज़्यादा भागदौड़ करना नहीं पड़ेगा, एक जगह में खड़े होकर सब कुछ कर पाएंगे, सब कुछ निकाल पाएंगे, मतलब एकदम पूरा आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग जो मॉड्यूलर किचन बनवाते हैं वो किस टाइप का बनवाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर मॉड्यूलर किचन बनाना है तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कीजिए, फिर आगे वाला जो पार्ट आएगा, आने वाला जो जितना भी पार्ट आएगा उसमें आप लोगों को वो वाला वीडियो मिलेगा, और आप लोग पूरा जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। किचन बनवाने के पहले से, किचन बनवाने इंस्टॉल होने के बाद आफ्टर सेल सर्विस तक हम लोग कस्टमर सर्विस भी देंगे, सब कुछ देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग बस किचन बनवा दिया छोड़ दिया, जितना दिन तक आपका जो किचन है आप लोग उस किचन को फेंक नहीं देते हैं, या फिर आप लोग उस घर को छोड़ नहीं देते हैं, उतना दिन तक हम लोग सर्विस देते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अभी तक हमने नाम नहीं बताया कि कौन सा मॉड्यूलर किचन हम बनवाते हैं, वो अलग एक वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि हम लोग कौन सा मॉड्यूलर किचन बनवाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, हम जो भी किचन बनवाते हैं, हम लोग जो भी किचन बनवाते हैं उसका पहले से लेके एंड तक हम लोग आपके साथ होंगे, और स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। ये वाला नंबर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कोई भी जानकारी हो आप वहाँ से आप डायरेक्ट कॉल कीजिएगा, और आपका जो भी जानकारी होगा हम उसमें आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और आपको अगर मॉड्यूलर किचन बनवाना है तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको एक प्रॉफिटेबल प्राइस में इंडिया का कहीं पर, खास करके वेस्ट बंगाल में अगर है तो और भी अच्छा है, नहीं तो इंडिया के अंदर कहीं पर भी होगा। अगर आप किचन बनवाना चाहते हैं तो जानकारी दीजिएगा, आपको पहले से लेके एंड तक सब कुछ सपोर्ट किया जाएगा, और कैसे के करना है, प्राइस कितना होगा, ठीक है, वो सब कुछ बताएं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही।